नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्व वसूली को लेकर समीक्षा भवन में हुई बैठक, जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। कोरोना वायरस से निपटने के लिए मायागंज अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड तैयार, भागलपुर में आधा दर्जन लोग की हुई जांच। विश्वविद्यालय की महिला एसओ ने रजिस्ट्रार पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप, कर्मचारी संघ ने खोला मोर्चा। नवगछिया में बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर, दो की मौत, कई यात्री हुए घायल। और मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत रामकृष्ण मध्य विद्यालय में विधायक ने किया कई योजनाओं का शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के समीक्षा भवन में गुरुवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में आंतरिक संसाधन एवं राजस्व वसूली को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है और कई विभाग राजस्व वसूली के लक्ष्य से काफी पीछे है। डीएम ने राजस्व एवं लगान वसूली का लक्ष्य पूरा करने और सैरात की बंदोबस्ती करने का निर्देश दिया। इस दौरान जल जीवन हरियाली योजना के तहत तालाबों को मुक्त कराने, आपूर्ति विभाग के उपभोक्ताओं को समय पर राशन एवं किरासन वितरण करने, जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को लाइसेंस निर्गत करने के अलावा कई विभागों के पदाधिकारियों को राजस्व वसूली की योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही कार्य में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करने की बात कही। इस मौके पर अपर समाहर्ता राजेश झा राजा, SDO, DCLR समेत कई कर्मचारी मौजूद थे। दुनिया के 120 देशों में 4000 से ज्यादा लोगों को मार चुके कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है। WHO ने कहा कि अब तक 1,00,000 से अधिक लोग कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं और यह बीमारी नियंत्रण से बाहर हो गई है। इधर भारत में कोरोना वायरस के 60 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना के खतरों को देखते हुए भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य महकमा और एम्स समेत सभी अस्पताल को अलर्ट कर दिया है। भारत में फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के नागरिकों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकारी एडवाइजरी जारी की गई है। कोरोना से बचाव के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी विशेष व्यवस्था की गई है। बिहार में अब तक एक भी कोरोना से प्रभावित मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। इसके बावजूद भागलपुर के मायागंज अस्पताल एवं सदर अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही दोनों अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। कोरोना वायरस को लेकर मायागंज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर रामचरित्र मंडल ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार आइसोलेशन वार्ड में सारी सुविधा मुहैया करा दी गई है। साथ ही डॉक्टरों की टीम कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी कर रही है। वहीं कोरोना वायरस के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने कहा कि भागलपुर में अब तक 7 मरीजों की जांच की गई, लेकिन एक में भी कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है। सरकार का जो गाइडलाइन है उस हिसाब से 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड मेरे पास पहले से है, उसको हम कोरोना वायरस वार्ड डिजिग्नेट कर दिए हैं। उसके लिए PPE, मीडिया और जो N95 मास्क है वो हमारे पास अवेलेबल है। अभी तक हमारे पास 4 पेशेंट जांच के लिए आए थे, जिसका हम लोग सैंपल करके कलकत्ता भेजे थे जांच के लिए। 3 नेगेटिव आ गया और एक उस पेशेंट के क्राइटेरिया में नहीं फिट बैठा, माने कहने का मतलब है कि 4 पेशेंट नेगेटिव आ गया। वर्तमान यही स्थिति है, लोग तैयार हैं अगर बात होती है। कोरोना का एक भी मामला यहाँ पर नहीं आया है। 7 पेशेंट सस्पेक्टेड यहाँ लाए गए फ्लू के, जो उसमें से कुछ चीन से होकर आए थे, वहाँ पढ़ रहे थे, विद्यार्थी थे वहाँ के, और 2 अबू धाबी से आए थे, एक ने एक चाइनीज के साथ ट्रैवल किया था ट्रेन में करीब 1000 किलोमीटर का, सामने सामने की बर्थ पे बैठकर, और उस चाइनीज को थोड़ी खांसी वासी थी। तो और 2 जने और भी आए जो उनके संपर्क में थे, जो चाइना वाले थे उनके संपर्क के थे, लेकिन किसी में भी कोई कोरोना का वायरस नहीं मिला है। और शुक्र है ऊपर वाले का कि अभी तक हम लोगों का जो ये प्रक्षेत्र है ये अभी इससे अछूता है। और अब गर्मी आने वाली है, इसलिए कोरोना भी गर्म प्रदेश की चीज़ है नहीं, ठंडे जगह की चीज़ है, तो उम्मीद नहीं है कि कोरोना वायरस यहाँ पे जिंदा रहे। तिलकमान जी, भागलपुर विश्वविद्यालय में गुरुवार को RTI विभाग की SO किरण कुमारी द्वारा रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह पर लगाए गए आरोप का मामला गर्मा रहा है। जैसे ही प्रभारी कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय विश्वविद्यालय पहुंचे, वैसे ही सभी शाखाओं के कर्मचारी गोलबंद होकर कुलपति के पास पहुंचे और मामले की जानकारी दी। दरअसल होली की छुट्टी के पूर्व महिला SO किरण कुमारी ने रजिस्ट्रार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। साथ ही मामले की लिखित शिकायत 7 मार्च को प्रभारी कुलपति के PO भास्कर पाठक और कर्मचारी संघ के सचिव रंजीत यादव को दी थी।
गुरुवार को प्रभारी कुलपति प्रोफेसर ए के राय, प्रतिकुलपति प्रोफेसर राम यतन प्रसाद समेत कई अधिकारियों के समक्ष विश्वविद्यालय के कर्मियों ने रजिस्ट्रार पर कई आरोप लगाए और कहा कि इस तरह से कर्मचारियों पर दबाव बनाना सही नहीं है। वहीं अशोक किरण कुमारी ने कहा कि रजिस्ट्रार की प्रताड़ना से वह हृदय रोगी हो गई है। अभी अभी हाँ 7 तारीख को 6 तारीख को 7 तारीख को 6 तारीख को कुल सचिव महोदय बुला करके फिर वही जो उनका है संस्कार उस हिसाब से मेरे साथ वर्ताव किए। तो चूंकि 2 साल 2.5 साल से हम लोग भी उनको झेल रहे हैं और हम एक शब्द भी वो कितना भी बोले हैं हम एक शब्द भी उनको कुछ नहीं बोले हैं तो झेल रहे थे जिसके कारण कि हमको बीमारी भी हो गई। जुलाई में प्रभात साकेत वाला फाइल में ये इस हिसाब से हमको लिखने कह रहे थे उसी दिन से हमको हार्ट का जो प्रॉब्लम हुआ जो आज तक हो रहा है। तो हम कुछ नहीं बोलते हैं, सह लिए, सहते जब अब सिर से ऊपर चला गया तो लगा कि अब क्या करें। हम चाहते नहीं थे लेकिन सर इस हिसाब से कर दिए कि उसी समय हम चले गए कुलपति कार्यालय और स्वाभाविक है हृदय फट गया जिसके कारण कि आंसू आ गया। सर काम का बहाना लिए हैं तो हम भी काम दिखा देंगे और सार्वजनिक करेंगे, आप लोग को देंगे पेपर में। लोक सूचना पदाधिकारी का ये है, उसका कर्तव्य है ना कि कोई भी सूचना हम अपने सुओ मोटो स्वविवेक से हम सार्वजनिक कर सकते हैं। उसके लिए न तो हमको कुलपति महोदय से हमको आज्ञा लेना पड़ेगा न कुल सचिव। मामले को लेकर संघ के नेता रंजीत यादव ने कहा कि रजिस्ट्रार बराबर किसी न किसी कर्मचारी को अपमानित करते रहते हैं जो बिल्कुल अनैतिक है। ये प्रशाखा पदाधिकारी किरण कुमारी जो है न सचिव महोदय के कार्यालय में सचिव महोदय बुलाए थे 6 तारीख और उन्होंने का कहना है कि मैंने हम गए हमको थोड़ा ढोक डांट के बोलते हैं हम काम करते हैं प्रेम से काम मतलब करेंगे कि जो धोबिए ढूंढने से कम होता है ये लिख करके दिए सर को कि मैंने हम बराबर जो है ना ये जाते हैं। वहीं कुलपति के समक्ष रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने कहा कि महिला कर्मी से काम नहीं करने का कारण पूछा गया था क्योंकि राज्य सूचना आयोग के कई मामले लंबित हैं। हमने बोला कि आप क्यों नहीं, आपको काम करना पड़ेगा, नहीं है तो बताइए आपका काम मैं नहीं करूंगा मैं, और एक कर्मचारी चिट्ठी नहीं लेगा तो क्या कलेक्टर बनने जाएगा। ये बात जरूर बोला हमने सर कि चिट्ठी लेने का काम तो चिट्ठी लेने वाले ही करेगा ना। आप 5 आदमी हैं, 5 आदमी में मैनेज तो कर सकते हैं आप। ये आदमी चिट्ठी नहीं ले रहा, दूसरा आदमी चिट्ठी रिसीव कर लेगा, चिट्ठी ही तो लेना है। इनके चिट्ठी का जवाब सर, इनके चिट्ठी का जवाब अगर देखेंगे तो वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार सबको वहां पे लोक आयुक्त बुला लेगा सर, उसको मैं करेक्ट करता हूं सर। पुलिस जिला नवगछिया में तेज रफ्तार के कारण हुई भीषण सड़क दुर्घटना में 2 यात्रियों की मौत हो गई जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल बीती रात बेगूसराय से भागलपुर आ रही बस एवं गिट्टी लोडेड ट्रक आमने सामने टकरा गई। घटना भवानीपुर थाना क्षेत्र के NH 31 नारायणपुर चौक की है। घटना की सूचना मिलते ही भवानीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए नारायणपुर PHC पहुंचाया, जहां केंद्र के चिकित्सा प्रभारी विजेंद्र कुमार ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए घायलों को मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। एक मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के पूसीनगर मठीनिया निवासी किशन शर्मा के रूप में हुई है जबकि दूसरे मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल सभी घायलों का इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल में चल रहा है। भागलपुर कला केंद्र के समीप स्थित रामकृष्ण आश्रम मध्य विद्यालय में नगर विधायक अजीत शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत निर्माण होने वाले 4 दीवारी एवं चबूतरा निर्माण कार्य का शुभारम्भ किया। 12,03,500 रूपए एवं 5,91,300 रूपए की लागत से 4 दीवारी एवं चबूतरे का निर्माण विधायक निधि से होगा। इसके अलावा 6,99,000 की राशि से स्कूल परिसर में शौचालय निर्माण भी होगा। विधायक ने कहा कि भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में पढ़ने वाले विद्यालयों एवं छात्राओं के हित में कार्य किया जाएगा जिससे विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। इसके पूर्व विद्यालय की प्राचार्य विभा कुमारी एवं छात्राओं ने विधायक अजीत शर्मा का स्वागत बुके देकर किया। इस दौरान प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर विधायक ने माल्यार्पण किया। इस मौके पर जिला कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष सह पार्षद संजय कुमार सिन्हा, रेणु कुमारी, प्रकाश चंद्र गुप्ता, गोपाल शर्मा, अजय सिंह, श्वेतांशी कुमारी समेत विद्यालय के छात्र छात्रा मौजूद थे। कल्याण स्थित विकास का स्कूल में बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं, सुरक्षित नहीं थे, बाउंड्री वॉल बनाने का, हॉल बनाने का, शौचालय बनाने का जो ज़रूरत है, इन चीज़ों का हम लोग को जो कोर्स दिया जाता है इसी विकास के लिए दिया जाता है। और मैं पूरे मन से तन से
पूरा लगा रहता हूँ कि भागलपुर का जो भी विकास हो सके, चाहे हमारे कोष से हो या सरकार के द्वारा लाके, मैं करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। उसी के क्रम में आज ये उद्घाटन था। प्रिंसिपल साहिबा ने बोला कि इसको उद्घाटन कर दीजिए, मैं आके इसको उद्घाटन किया हूँ। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बड़े शहरों के तर्ज पर विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा नाथनगर के दरियापुर सजौर में पहली बार। संत पॉल्स अकादमी CBSE कुरिकुलम नर्सरी से क्लास 8 तक की पढ़ाई। कैंपस कवर्ड बाय CCTV, स्मार्ट क्लासरूम्स फॉर ई लर्निंग, फुली इक्विप्ड इन्फर्मरी, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस संत पॉल्स अकादमी, दरियापुर सजौर नाथनगर भागलपुर। एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7280082712। एडमिशन इज गोइंग ऑन। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। GD गोइंका पब्लिक स्कूल, CBSE कॉरिकुलम नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, AC बस विथ GPS एंड CCTV, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है GD गोइंका पब्लिक स्कूल, G6 बसंतपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिलाओं के अधिकार और सम्मान को लेकर गुरुवार को भागलपुर के सहवास नगर मदरसा में सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में देश की आज़ादी में महिलाओं की भागीदारी पर विशेष रूप से चर्चा की गई। कार्यक्रम का संचालन नागरिक सेवा समिति के अध्यक्ष रिजवान खान ने किया। वहीं मदरसा में पढ़ने वाली छात्राओं ने इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, बेगम हजरत महल, कमला नेहरू समेत दर्जनों बहादुर साहसी महिलाओं की जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान बेहतर भाषण प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागी समेत कई छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। मौके पर इकराम हुसैन, तकी जावेद अली, अहमद खान समेत कई लोग मौजूद थे। नाथनगर मधुसूदनपुर थाना के रामपुर गाँव में दो पक्षों के बीच गुरुवार को जमकर मारपीट हो गई। इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में घायल लोगों को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए नाथनगर रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने घायलों को बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। घायल युवक की पहचान नाथनगर KV लाल रोड निवासी विनोद कुमार यादव के पुत्र मनीष यादव के रूप में हुई है। घटना को लेकर पीड़ित पक्ष ने मधुसूदनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें 6 नामजद एवं 5 अज्ञात शामिल हैं। थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने कहा कि मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है, जबकि घटना के कारणों की जांच की जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने को लेकर पूरे देश की राजनीति में घमासान छाया हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह पार्टी की गतिविधि के कारण नाराज चल रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली, जबकि इससे पूर्व वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके थे। इसको लेकर भागलपुर के नगर विधायक अजित शर्मा ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक समझदार और काबिल नेता हैं, लेकिन किन कारण से उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य ने पूरी निष्ठा से पार्टी को आगे बढ़ाया और कांग्रेस पार्टी ने भी उन्हें काफी सम्मान दिया। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से पार्टी को नुकसान होगा, साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार को लेकर कुछ भी कहने से इनकार किया। मैं तो रियली आई एम रियली शॉक्ड ऑफ इट। ज्योतिराव सिंधिया बहुत अच्छे लीडर थे हमारे, और किस सरकमस्टांसेस में उन्होंने निर्णय लिया, निश्चित तौर पर बहुत समझदार वो नेता है, और मैं तो उनका कायर रहा करता हूँ कि उनका जो विचार है कांग्रेस के प्रति, देश के प्रति, निश्चित तौर उनके कांग्रेस पार्टी से जाने से निश्चित तौर पर कांग्रेस को बहुत क्षति हुई, इसकी भरपाई अब हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। मुझसे बात में से नहीं हो पाई है किस सरकमस्टांसेस में गए हैं, क्योंकि वो पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक वो कांग्रेसी थे, कांग्रेस के सिद्धांतों को जानते थे, क्या मजबूरी है मुझे पता नहीं, लेकिन यह कांग्रेस के निश्चित तौर पर अच्छा। भागलपुर की बेटी डॉक्टर रतन प्रिया मिश्रा का कुवैत में मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड में चयन हुआ है।
डॉक्टर रतन प्रिया मिश्रा अपने पति के साथ कुवैत में रहती है और कुवैत सिटी में एक चिकित्सक के रूप में अपनी सेवा दे रही है। प्रिया मिश्रा के मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड में चयन की खबर से पूरे भागलपुर में खुशी की लहर है। डॉक्टर प्रिया ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कई देशों की महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें कि मैंने भारत की ओर से फाइनल के लिए जगह पक्की की। इस पूरे मामले की जानकारी पूर्व उप महापौर सह समाज सेविका डॉक्टर प्रीति शेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मुझे यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भागलपुर की बेटी, बिहार की बेटी आज पूरे विश्व में मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड की प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में उन्होंने अपनी जगह सुनिश्चित की है। इस प्रतियोगिता में न सिर्फ इंडिया के विभिन्न राज्यों की महिलाएं भाग ले रही हैं, बल्कि जो विदेशों में भी जो महिलाएं जो भारत को प्रतिनिधित्व करती हैं, जो भारत की नागरिक हैं और जो विदेशों में रह रही हैं, उनका भी नॉमिनेशन हुआ था। अभी इसका मुकाबला चल रहा है, लेकिन जो इंटरनेशनली जो प्रतियोगिता हुई उसके 3 राउंड के बाद कुल 300 प्रतियोगी महिलाओं में 5 का चयन हुआ, जिसमें हमारी रत्ना मिश्रा भी हैं। और रत्ना मिश्रा के बारे में मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि वो पेशे से पेडियाट्रिक डेंटिस्ट हैं और वो कुवैत में पोस्टेड हैं। उनका जन्म भागलपुर में हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा झारखंड में हुई और उनके पिता और माता जो हमारे बगल में बैठी हैं श्रीमती कनक मिश्रा जी, ये अभी भागलपुर में ही यहाँ पर रह रही हैं। सनहौला के गुदड़ी बाजार में गुरुवार को आइडियो वेलफेयर फाउंडेशन संस्था द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित की गई। समारोह का उद्घाटन फीता काटकर समाज सेवी गणेश दत्त सिंह एवं फाउंडेशन के अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से किया। समारोह में मुख्य रूप से हिंदू मुस्लिम भाईचारा पर जोर दिया गया एवं सभी से आपसी सौहार्द बनाने की अपील की गई। साथ ही होली मिलन समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मौके पर सकरामा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अनुज कुमार झा, हिजबुल मोहम्मद, संजीत सुमन एवं फाउंडेशन के कर्मचारी उपस्थित थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्व वसूली को लेकर समीक्षा भवन में हुई बैठक, जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। कोरोना वायरस से निपटने के लिए मायागंज अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड तैयार, भागलपुर में आधा दर्जन लोग की हुई जांच। विश्वविद्यालय की महिला एसओ ने रजिस्ट्रार पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप, कर्मचारी संघ ने खोला मोर्चा। नवगछिया में बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर, 2 की मौत, कई यात्री हुए घायल। और मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत रामकृष्ण मध्य विद्यालय में विधायक ने किया कई योजनाओं का शुभारंभ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।